हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, सुबह सुबह खाना खा पी के मैं रेडी हो गया था, मतलब कि कुछ काम तो नहीं था वैसे स्पेसिफिकली। तो सोच रहा हूँ कुछ किया जाए, आज कोई कंटेंट बनाया जाए आप सबके लिए। बट अपने एक दोस्त से पूछा मैंने, कहीं घूमने चलते हैं, बट वो तो उसको थोड़ा और काम था, वो जाने को रेडी नहीं था। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ ना, क्यों ना आज मामू के घर जाया जाए, काफ़ी दिन हो गए उनके घर गए हुए, उनके घर जाते हैं आजकल। साथ में वो ना MP की इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो सोच रहा हूँ उनके साथ एक पॉडकास्ट की जाए, मुझे भी फर्स्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा। सोच रहा हूँ कि पॉडकास्ट ऐसे सुनने में काफ़ी मज़ा आता है, बट ट्राई करूँगा कि अपना बेस्ट दूँ और उनके बारे में आप सबको बता पाऊँ। तो बस चलते हैं मामू के घर, फिर आपको वहीं पे मिलते हैं, रेडियो के मैं निकलता हूँ। तो गाइस, ये उनके ऑफिस के बाहर में पहुँच गया था, जो कि तनिष्क होटल के बाहर पीछे है। तो मामू जी रेडी हैं। तो गाइस, इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, देखो मामू को मैंने हाय हेलो जो भी करना था सब कुछ हो गया था। तो मामू को मैंने बता दिया कि मामू आज हम आपके साथ ना पॉडकास्ट करने वाले हैं। तो ये मामू के पूरे काम है, मतलब आज से नहीं, पिछले 15 सालों से मामू लगे हुए हैं लोगों की सेवा करने के लिए। बट इस बार ना मामू जी काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो गए थे इस चीज़ के लिए कि देवका के लिए 186 करोड़ रुपये आया, और वहाँ पे 86 करोड़ तो दूर 1 रुपया भी उन्हें लगा हुआ नहीं दिख रहा था। और मामू ने सोच लिया कि इस बार मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा। तो मामू ने अपने पूरे, मतलब कि जो भी काम आज तक 15 सालों में जो भी करवाए थे, मतलब काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं वो इस समाज सेवा लाइन में, बट इस बार उन्होंने सोच लिया था कि इलेक्शन लड़ी जाए, और बेसिकली ना उन्हें लोगों ने मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए। अब देखते हैं लोग कितना उनका साथ देते हैं और उन्हें आगे पहुँचाते हैं। तो इसके साथ ना अब मैं मामू को बोलता हूँ कि मामू आगे कंटिन्यू करेंगे, पूरा उनके बारे में आपको बताएंगे। तो गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मामू जो भी इनका लक्ष्य है, जो उनका मेन टारगेट है, वहां तक वो पहुंच सकें। तो गाइस, शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। हेलो गाइस, तो शुरू करते हैं अपनी पॉडकास्ट। देखो, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं पहली बार पॉडकास्ट कर रहा हूँ। जी, ठीक है जी। तो कोशिश ऐसे ये करनी, नॉर्मल हिंदी डोगरी मिक्स रखनी। बेसिकली ये होना चाहिए कि थोड़े बारे में पता लगना चाहिए। मेन मुद्दा ये है कि लोकें पता चलना चाहिए। अपने बारे सुनाओ। नहीं नहीं होते हैं बेसिकली। अभी शुरू करेंगे इनकी इंट्रोडक्शन के साथ, तो बताएं अपने बारे में। मेरा नाम केवल कुमार शर्मा है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, चेयरमैन ऑल इंडिया समाज सुधार कमेटी उधमपुर से हूँ। तो मेरा जो मेन मोटिव है, समाज को अवेयर करना है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो डिजिटल इंडिया का नारा लिया लगाया था, बस उसी को मैं आगे प्रमोट कर रहा हूँ, ताकि लोगों को जो उनकी जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, तो उनके बारे में अवेयर कर सकूँ, ताकि वो स्कीमें लोगों के बीच तक पहुँच सकें। तो जैसे पीछे आपने देखा होगा, राशन कार्ड का जो मुद्दा मैंने उठाया था, तो उसमें भी हमें कामयाबी मिली। तो ऐसे ही छोटे छोटे काम हैं जो बेसिक, क्योंकि 90% जो काम हैं जो लोगों के जो एक फ़ोन कॉल से या किसी भी ऑफिस में जाने से हो जाते हैं, उनके लिए किसी भी फंड की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आपका मतलब इस लाइन में आने का मन कैसे किया, क्या चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि आपने ये काम करना है? देखो जी, हमने देखा कि शुरू से जब मैं बचपन से मैंने एक बार का मैं किस्सा आपको बताता हूँ। क्योंकि मुझे सुमो लेनी थी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरे पास 30-40 हज़ार रुपया था। तो मैंने सोचा कि मैंने सुमो लेनी, क्योंकि पैसे नहीं थे, खा बड़े थे, तो मैंने गाड़ी लेनी है। मगर जब मैं ARTO ऑफिस में गया परमिट के लेने के लिए, क्योंकि उसके लिए स्टेट परमिट की जरूरत थी, तो मैं उन्होंने बताया कि 30 हज़ार रुपया खर्चा होता है। तो जब मैंने पता किया कि फीस 850 रुपया 900 रुपये के बीच में जो सरकारी फीस होती है, मगर बाकी पैसे कहाँ जाते हैं, करप्शन में। तो उधर से ही मुझे मन हुआ कि नहीं भाई, इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना है। बस सबसे पहले आपको खुद अपने आप को उसके लिए तैयार करना है। तो मैं उसके लिए, मैं उस समय के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर स्वर्गीय मंगतराम शर्मा जी थे, मैं उनके घर तक पहुंच गया, मगर मैंने 30 हज़ार नहीं दिया, और फ्री ऑफ कास्ट में मैंने वो परमिट लिया था। तो उधर से ही मेरी शुरुआत जो समाज सेवक के नाते शुरू हो गए। मतलब आपने पहले ड्राइवर का काम भी किया हुआ है? हाँ, उसके बाद जब मैंने गाड़ी ली, तो मैंने गाड़ी चलाई, मैं एज ए प्रिंसिपल स्कूल भी चलाता था,
मगर जब मुझे 2 महीने की जो छुट्टियां बढ़ती थी ना, तो मैं सोचता था यार जो 2 महीने में जो घर में बैठूंगा, नहीं तो लोग बोलते थे यार तू प्रिंसिपल हो के गाड़ी चला रहा है यार, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। क्योंकि हमारे मोदी साहब ने अगर चाय बेची है, अगर वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो क्यों एक पढ़े लिखा ड्राइवर नहीं हो सकता क्या? तो मैंने गाड़ी चलाई, मैं हिमाचल भद्रवाह कोई जगह है ऐसी श्रीनगर कोई निशोड़ी है, और लोग बहुत प्यार से मेरे साथ पेश आते थे। उनको पता था कि ये एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, पढ़े लिखे हैं, तो लोगों का भी बहुत प्यार मिलता था। और खास में हमारे जो ड्राइवर भाई उनका बहुत मुझे प्यार मिलता था, क्योंकि उनको पता था जो मास्टर जी के नाम से मुझे तो बोलते थे। तो कहीं यही रीजन तो नहीं है आप इलेक्शन लड़ रहे हो, आपके पास लोगों की सपोर्ट है? ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मैं ट्रांसपोर्ट लाइन में ड्राइविंग लाइन में गया तो उधर मुझे ना ड्राइवरों के जो समस्याएं थी उनका पता चला। उसके बाद जब मैं किराने की दुकान में आया तब मुझे पता चला कि यार किराने में क्या समस्या है। जब मैं स्कूल लाइन में गया, जब मैंने स्कूल खोला, तब मुझे पता चला कि प्राइवेट स्कूल वालों की क्या समस्याएं हैं। तो ऐसे ही अब मैं ऑनलाइन में आया, जब मैंने ये के ऑनलाइन सर्विस का जो मैंने डिजिटल ऑनलाइन सर्विस शुरू की, तो अब मैंने देखा कि यार इधर कितनी समस्या है, ऑनलाइन भी हो जाते हैं कागज सब कुछ। मोदी साहब ने बोला कि ऑनलाइन अप्लाई करो ऑनलाइन मिल जाएगा, पर बीच में आज भी दलाल काम कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन को ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। तो मेरा अलग अलग काम करने का मकसद ही यही है कि मुझे पता चले कि मैं क्या कहाँ कौन सी समस्या है, इसी से मुझे एक्सपीरियंस होता है। तो एक काम और किया है मैंने, मैं एज ए राइटर, मैं राइटर भी हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं राइटर भी हूँ, और मैंने मेरी पालक फिल्म इंटरनेशनल के नाम से एक प्रोडक्शन हाउस है। एक वो जिस बात पे आपकी घर पे लड़ाई हुई थी, आपने वो घर बेचा था, वो क्या किस्सा है? वो यही था, मैं 370 पे, जब मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 5 अगस्त को जब घोषणा की कि 370 हटा दिया गया है, मेरी रातों की नींद चली गई। उसके बाद मैंने सोचा यार मैं क्या करूँ मोदी साहब के लिए, जिससे मोदी साहब का मैं शुक्रिया अदा कर सकूँ। क्योंकि मैंने एज ए राइटर मैंने कलम उठाई, मैं दिन में किराने की दुकान करता था और रात को मैं 4-4, 5-5 बजे तक स्टोरी लिखता था। स्टोरी लिखी, गाने लिखे, 1 महीने का टाइम मुझे लग गया उसके लिए। उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले एक मैंने अपना मकान बेच दिया, क्योंकि मेरा एक ही सपना था, क्योंकि इस फिल्म को मैं बनाऊंगा, अपना घर बेच के मैंने मेरी दुकान बंद होगी, किराने की दुकान थी जहाँ मैं बैठा हूँ। आपको पता है आज से 2019 तक जब मैंने फिल्म के लिए बम्बे गया तब तक ये किराने की दुकान थी, मेरी दुकान बंद हो गई, मेरा मकान बिक गया। मगर सब कुछ बिक जाने के बाद सब कुछ हुआ ऊपर वाले की दुआ से, फिल्म के गाने भी रिकॉर्ड हो गए, स्टोरी भी पास करवाई, सब कुछ हो गया, प्रोडक्शन का कार्ड भी हुआ, राइटर का कार्ड भी हुआ, जो जो फिल्म के लिए होता था। बस बदकिस्मती ये थी कि लॉकडाउन शुरू हो गया। तो उसके बाद फिर खासकर देखो इसमें एक ड्रॉबैक और भी है। ड्रॉबैक क्या था कि मुझे जो लोग थे जो मोदी साहब तक पहुंचा सकते थे मेरी आवाज़, वो नहीं मिले, उनकी सपोर्ट नहीं मिली। क्योंकि जिस करेक्टर को जैसा मुझे मेरा जो फिल्म का करेक्टर था मोदी, अमित शाह और अजीत डोभाल मेन करेक्टर थे फिल्म के, जब तक इन लोगों के साथ मैं डिस्कस नहीं करूँगा तब तक मैं इनका करेक्टर कैसे डाल सकता हूँ। मगर किसी की सपोर्ट नहीं मिली ताकि मैं अमित शाह सर से मिल सकूँ, मोदी साहब साथ पहुँच सकूँ। तो उसी कारण फिर मैंने देखा यार इधर तो सुनाई नहीं है। मोदी साहब तो बोलते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर में जाके शूटिंग करो, मोदी साहब ने बोला कि 35% सब्सिडी देंगे जो जम्मू कश्मीर में फिल्म बनाएगा। भाई हम खुद जम्मू कश्मीर के हैं, हमने खुद देखा है 370 के कारण क्या ड्रॉबैक थे, हमें ज़्यादा पता है जहाँ बाहर के राइटरों को, बाहर के प्रोड्यूसरों को या बाहर की कंपनियों को पता है, हमें ज़्यादा पता है। क्योंकि मेरी फिल्म का जो जितनी भी स्टोरी थी वो सारी जम्मू कश्मीर बेस्ड थी, और जम्मू कश्मीर में चाहे वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हो, चाहे वो 1990 का जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो पलायन हुआ या जो कार्ड उनके साथ गलत हुआ, वो सारा इस फिल्म में, इसमें हिंदू भी दिखाया, इसमें मुस्लिम की तिरंगे की खातर एक मुस्लिम जान दे देता है, हमें किसी पक्ष के खिलाफ नहीं, वो है जो रियलिटी है मेरे भाई मुस्लिम भाई जो आज भी जान देते हैं तिरंगे की खातर, हमने उनको भी दिखाया। मगर इन लोगों को पता नहीं क्या मेरी स्टोरी अच्छी लगी, जहाँ क्यों मुझे आगे लाके उन्होंने प्रमोट किया। मगर आज ये है कि आज मेरा सपना यही है कि आज मैं सिर्फ फिल्म नहीं बनाऊंगा, अगर उधमपुर की जनता अगर मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिता के भेज दिया तो मैं इधर फिल्म सिटी लाऊंगा, और भद्रवाह में फिल्म सिटी बनाऊंगा।
तो और छोटी छोटी जैसे हमारे पंजारी में है, हमारे सुध महादेव में है, हमारे भोसोली में है, बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं जो एक अगर छोटे छोटे पार्ट अगर फिल्म सिटी के अगर बनाए जाएंगे ना तो इधर बाहर के लोगों को मैं अट्रैक्ट करूंगा ताकि वो इधर आके शूटिंग करें। तो अगर इसके अलावा बात की जाए आपको कोई और गोल है? मेरा गोल ये है कि मैं जम्मू कश्मीर को फिलहाल तो शुरुआत मैंने जम्मू कश्मीर उधमपुर से की है, क्योंकि आज से नहीं किया है। मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने शुरू से कसम ये खाई थी कि ना करप्शन खाएंगे ना किसी को खाने देंगे, यानी गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे। उसी को लेके हमने जो संस्था बनाई थी हमारी जो ऑल इंडिया समाज सेवा कमेटी है, इसका जो नारा यही था कि भ्रष्टाचार हटाओ देश बचाओ, यानी भ्रष्टाचार जिस दिन खत्म हो गए तो ये हमारा देश बच जाएगा। तो उसी को लेकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब भी जो डिजिटल इंडिया का जो नारा दिया उससे काफ़ी फर्क पड़ा है, मगर अब भी कुछ कमियाँ हैं जिनको मैं आगे इसमें सुधार लाने वाला हूँ। तो अब यही है कि आप देखो, आपने देखा कि पीछे मेरे पास लोग आ रहे हैं, चाहे वो राशन कार्ड वाला मुद्दा हो उसमें भी हमें जीत मिली है, तो आज राशन कार्ड का जो प्रिंट कहीं भी आप निकलवा सकते हो, तो उसमें थोड़ी सी और भी कुछ कमी है, उनको मैं आगे अभी गवर्नर साहब के साथ डायरेक्टर मैडम के साथ थोड़े दिन में उसको सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो उसके बाद फिर हमारा आपने एफिडेविट का देखा कि एक लेडीज एक हमारी बहन से 180 रुपया ले लिया गया, और आज हमारे जो तहसीलदार उधमपुर के हैं उन्होंने बहुत ही जल्द एक्शन लिया, और हमारे जो जंग बहादुर जी हमारे जो स्पेशल सेक्टरी हैं रेवेन्यू में बहुत ही अच्छा काम करें और हमारी एक एक मैसेज पे वो एक्शन लेते हैं। तो उधर से जब एक्शन हुआ तो दूसरे दिन ही सबकी क्लास लग गई जितने भी लोग एफिडेविट बेचने वाले थे। ये चीज़ तो सही है, बट अगर बात करें जो यूथ है मेन जो वोटर है ना यूथ ही है, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? उनके लिए यही है कि देखो आज हमारा जो यूथ है ना वो नशे की तरफ जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि उनके लिए हर तहसील लेवल पे स्टेडियम बनाए जाएंगे, जो मेरा एक जो सपना है एज ए जो यूथ के लिए, क्योंकि अगर उनके लिए अगर स्टेडियम बनाए जाएंगे, उनको अगर खिलाया जाएगा, अच्छी अच्छी गेम्स के अंदर उनको लाया जाएगा, तो उससे क्या होगा कि वो नशे की तरफ कम जाएंगे। स्टेडियम तो नहीं है मगर हैं वो गाज चुराने के लिए हैं, क्योंकि वो स्टेडियम नहीं है, और उनको भी जो हमारे उधमपुर में जो स्टेडियम है उसकी आधी लैंड कब्जा गई है, आपको पता है जो मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है ना, क्योंकि मैं एमपी के इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहा हूँ, तो मैंने एक दिन में हवा से नहीं आया मैं एमपी के इलेक्शन लड़ूंगा। मुझे 15 से 20 साल हो गए समाज सेवा काम करते हुए, बट अगर इस टाइम देखी जाए जी वो तो मोदी ही है, तो मैं भी मोदी का हूँ, मैं कौन सा कोई भाषा हूँ, मेरे गुरु हैं, मैंने आज से नहीं, मैं 5 अगस्त 2019 से मैंने उनको अपना गुरु मान लिया, उसी दिन गुरु मान लिया था जिस दिन उन्होंने 5 अगस्त को जो अनाउंस कर दिया था कि मैं 370 जम्मू कश्मीर से हटा रहा हूँ। तो मतलब एमपी की इलेक्शन लड़ने का डिसीजन आपने तब लिया था या वो अभी लिया? नहीं, पता क्या हुआ, तब तो मैं एक फिल्म बनाना चाहता था, क्योंकि मोदी साहब को, अमित शाह को, अजीत डोभाल जी को, जिन्होंने हमारे स्टेट के लिए इतना बड़ा काम किया, मैं उनको उनका शुक्रिया अदा उस फिल्म के माध्यम से करना चाहता था, मगर इन लोगों ने नहीं होने दिया, क्योंकि मैं समझता था भाई मैं फिल्म बना रहा हूँ मोदी साहब पे, जे लोग मेरा वेलकम करेंगे, केवल जी आ जाओ जम्मू कश्मीर के लोगों की इतनी जल करते हैं, बट वो तो उनको डर, वो तो हर कोई करता है ना, अब जैसे जो लोकल यहाँ के होंगे अब इसके थ्रू गए थे, लोकल के थ्रू गए थे या सीधे आई जाएंगे? भाई मेरा है कौन जो मुझे लेके जाएगा, आम आदमी का कौन है? आपने देखा लोगों को अंदर कोई भी रैली होती है उधर सिक्योरिटी वाले अंदर गेट नहीं क्रॉस करने देते हैं, तो मैं कहाँ पहुंच पाता, मैं तो इन लोकल को ही पकड़ा मैंने जो भी इनके लीडर हैं, वो तो कभी नहीं सपोर्ट करेंगे ना, क्योंकि अगर आप कल को अच्छा काम करते हो जी तो आप उनकी शिक्षा लोगे, शायद हो सकता मगर उस समय नहीं था। मैं बताऊँ आपको, मैं जब मोदी साहब पर या योगी साहब सॉरी जे अमित शाह पर जब मैं फिल्म बना रहा था, तब मेरा ऐसा कोई सपना नहीं था, मेरा सपना सिर्फ यही था कि जम्मू कश्मीर में 370 के कारण जम्मू कश्मीर में जो मोदी साहब ने जो 370 हटाया, और कुछ अपोजिशन पार्टियां बोलती थी कि मोदी साहब ने रातों रात हटा दिया, मेरी फिल्म में ये मैसेज देती थी ऑल ओवर वर्ल्ड को कि मोदी साहब ने रातों रात नहीं हटाया है, इसमें अजीत डोभाल ने जो टूर काटे थे जम्मू कश्मीर में वो टूर हमने दिखाए थे,
इसमें हमने वो दिखाया था कि जम्मू कश्मीर के क्या ड्रॉबैक थे। वेस्ट पाकिस्तान जो रिफ्यूजी आए थे उनके पास राशन कार्ड नहीं था। एक एक हमारी जो भाई था उधर वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी, उस बेचारे की शादी टूट गई। ये मेरी फिल्म का हिस्सा है, ये मैं हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। सतीश टिकू का फर्स्ट मर्डर जो हुआ था, सतीश टिकू का जिसने भी किया था, उसका नाम नहीं मैं लेना चाहता, अब पता है सब दुनिया को, उसके ऊपर वेस्ट फिल्म थी। जे मैंने कोई हवा हवाई स्टोरी नहीं किया है, जो रियलिटी थी ना जम्मू कश्मीर की। मगर बदकिस्मती हमारी यही है कि हम मोदी साहब तक पहुंच नहीं पाए और हमारी फिल्म अटक गई। और जो लोग पैसे कमाने वाले हैं, अब भी देखो पीछे आई फिल्म, अब पता नहीं कितने करोड़ रुपया कमा गई। तो कहने का मतलब है भाई, मुंबई के लोग, बाहर के लोग, वो भी हमारे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। वो पैसे कमा रहे हैं, मगर हमारे अगर हम पैसे कमाते भी या हमारी फिल्म चलती भी, तो जम्मू कश्मीर का विकास होता, क्योंकि हमारे जो करेक्टर थे, हमारी जो शूटिंग थी 100% शूटिंग हमारी हमारे उधमपुर जम्मू की, इधर की जम्मू प्रांत की थी। तो उसको प्रमोट करने के लिए हमने ये फिल्म बनाई थी, ताकि इधर टूरिज्म भी आएगा और इधर का जो वादियाँ हैं, जो हमारे भद्रवाह की, हमारे जो भोलेनाथ का मंदिर है सुदमा देव में, हमारी जो पंचारी में है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर, हमारा रेलवे स्टेशन का जो हमारा उधमपुर का रेलवे स्टेशन, ये सारा उसमें हमने फिल्माया हुआ था। मगर बदकिस्मती यही है कि मोदी साहब तक हम पहुँच नहीं सके, तो हमारी फिल्म का जो प्रोजेक्ट है वो अटक पड़ा है। मगर अब क्या है कि जब मैंने देखा यार ये लोग तो चाहते नहीं है कोई अच्छा काम जम्मू कश्मीर के लिए हो, तो इसलिए फिर मैंने, अब मेरे ये डिसीजन नहीं है, क्योंकि आपने देखा पीछे जैसे माताएं बहनें जो मेरे पास आके रो रही हैं, फिर मैं फ़ोन करता हूँ उनका काम हो जाता है। फिर लोग ही बोलते हैं भाई शर्मा जी आप काम, आप फ़ोन करते हो काम हो जाता है, आप फ़ोन करते हो जो हो जाता है, आप फ़ोन करते हो उधर बंदा का पूछ जाता है, बंदे सस्पेंड हो जाते हैं, तो फिर आप पीछे क्यों बैठे हो? आप आपको और पावर देना चाहते हैं कि आप फोन ऐसा करो कि पूरी स्टेट में के बंदे उठ जाएं जो भी गलत लोग हैं। बट अगर एज ए गवर्नमेंट होगी तुम्हें कोई सियोरिटी होनी, तो किस बेस पर लड़ा दे इलेक्शन? मानना कि मैं तुम्हें वोट दूंगा जी, बट और कुछ कोई सोर्सेज है, कोई सिस्टम है? देखो जी, ऐसे ही रातों रात कोई भी डिसीजन, इतना बड़ा डिसीजन, क्योंकि इधर सरपंच पंच की इलेक्शन लड़नी हो उसके लिए भी सोचना पड़ता है। ये कोई छोटी मोटी इलेक्शन नहीं है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इलेक्शन है। इसके लिए एक दिन में ये डिसीजन नहीं हुआ, इसके लिए टाइम लगा, इसके लिए काफ़ी लोगों से बात हुई, डिस्कशन हुई, डोडा के लोगों के साथ डिस्कशन हुई, भदरवाह के लोगों के साथ डिस्कशन हुई, हमारे रामनगर के लोगों के साथ डिस्कशन हुई, कठुआ के लोगों के साथ बात हुई। उसके बाद उन्होंने ही बोला, मैंने भी बोला, उन लोगों ने बोला कि आप एज ए सोशल वर्कर, क्योंकि जो पीछे आपने देखा 2-3 महीने से लगातार जो सोशल मीडिया में जो मेरे वीडियो चल रहे थे, जो ये वीडियो खाली हमारे उधमपुर नहीं देख रहा है, एक वीडियो आपने देखा वो किसी लाल साहब ने जब सबकी क्लास लगा दिया फिर डैम 3 लाख से ऊपर वीडियो, मुझे दिल्ली से बिहार से फोन आया, नहीं तो मैं आपको बंदे का नंबर भी तुम्हें दिखा दी, बिहार से फोन आया, बंदे बोल रहे सर आप ऐसा करिए हमारे बिहार में आगे इलेक्शन लड़िए। मैंने उसको बोला भाई मैं बिहार नहीं आ सकता, फिलहाल मुझे अपने जम्मू में ही काम करना है, हमारे हमें अपने उधमपुर जम्मू में काम करना है। सही बोल रहा हूँ आपको, मैं रिकॉर्डिंग बता सकता हूँ, बंदे का नंबर दे सकता हूँ, बात करूँ। तो कहने का मतलब यह है कि जब मैंने बोला यार लोग बिहार के लोग वो कहेंगे आप इलेक्शन लड़ो, अगर बिहार वालों में मेरे पे विश्वास है, क्या जम्मू के लोगों को मेरे पे, जो उधमपुर के जो मेरे घर के लोग हैं डोडा भद्रवाह कठुआ, तो इनको विश्वास नहीं है? उसके बाद हमें पूरी से फोन आ रहे हैं, ये बनाल से आपने देखा होगा, बनाल से लोग, हालांकि बनाल कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं पड़ता है, मगर बनाल से लोग आ रहे हैं। तो अंकल जी जो आपने देखा, तो कहने का मतलब ये लोग आज भी ये 30 सालों से थक चुके हैं ये लोग, तो अब इनको कोई चेहरा दूसरा देखने का। और दूसरा अंदर की बात कर रहा हूँ, जिसके खिलाफ मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, उनकी पार्टी के लोग मेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि मैं नाम लूंगा तो कल ही उनका क्लास लग जाएगी। मैं नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो, मैं नहीं चाहता कि पहले ही एक्सपोज हो जाऊं और लोगों को डराया धमकाया या किसी तरीके से मेरे से दूर किया जाए। तो अब इनकी जमीन ना हिल चुकी है, अपोजिशन नहीं थी, सारे बोलते थे किसको बोल देंगे, किसको बोल देंगे, दूसरा है नहीं कोई, दूसरा है नहीं कोई। अब लोग बोल रहे हैं यार ऐसा है ही नहीं कोई, नहीं ऐसा है ही नहीं कोई, नहीं जी मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग बोल रहे हैं,
बोलते ऐसा है नहीं कोई, जब एक आम आदमी सस्पेंड करवा दिए बंदे, एक आम आदमी यार राशन कार्ड का बंदा ही उठा दिया रातों रात, किस एमपी एमएलए ने आज तक बोल रहे आपको किसी की इस मामले में ये जो आप सस्पेंड हो गया यार, मेरे साथ मोदी है तो मुझे उससे बड़ी सपोर्ट किसकी चाहिए, गुरु है मेरे। तो कहने का मतलब ये है कि देखो आप किस पे विश्वास करते हो, भगवान पे विश्वास है, भगवान आपने कभी देखा है, कभी मिले हैं नहीं मिले ना, विश्वास है ना, बस हमें भी इन लोगों ने मुझे मोदी तक मिलने नहीं दिया, मगर जरूर आप मिलूंगा क्योंकि मोदी मेरे गुरु हैं, मैंने मैं उनको अपना पॉलिटिकल गुरु मानता हूँ, पॉलिटिकल एज ए सोशल, क्योंकि जिस अंदाज से वो देश के जो विजन उनका इंडिया को बनाने के लिए पिछले 10 सालों से जो नक्शा उन्होंने चेंज कर दिया ना, वो यार मोदी अकेला थोड़ी करेगा, हमें भी मोदी बनना पड़ेगा, जब हर जगह मोदी हो जाएगा ना तो क्यों नहीं होता यार, हमारे देखो जो हमारे देवी देवताओं में क्या होता है, एक जगह हमारे देवता होता है ना, उधर आते हैं लोग वो संगल नहीं होता, संगल उसे टच करते हैं फिर वो देवता दूसरी जगह भी उसका स्थान बन जाता है, होता है देखा आपने। तो इस वजह से ये है कि बात करते करते कोई आ गया, ठीक है ऐसा सीन है ना, हम उसका भी पॉडकास्ट बना रहे थे, पॉडकास्ट पॉपुलैरिटी की बात करना, अभी पॉडकास्ट बना रहे थे, मतलब ऐसी पॉडकास्ट इन जनरल फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और क्या हुआ कोई बंदा आ गया और मामू ने मेरे को कुर्सी से उठा के उसको बिठा दिया अपने साथ तो ये हाल हो गया, अब थोड़ी देर बाद फिर कंटिन्यू करते हैं, मुझे अभी फ्री हुए हैं, देखो बंदे ना काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं यहाँ पे, तो उसकी वजह से मैं अपनी पॉडकास्ट इतनी कंप्लीट नहीं कर पाया, बट फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा पॉडकास्ट के लिए, जितनी पॉडकास्ट आज रिकॉर्ड हुई है ना इनफ है, बट अगर सही लगी ना, अगर रीच इसकी सही रही तो मैं कोशिश करूँगा एक दो पॉडकास्ट और करूँगा, मामू बोलूँगा और भी काफ़ी चेहरे हैं अपने उधमपुर में पॉलिटिक्स में, छोटे मोटे जो भी हैं जो भी पब्लिक के लिए काम करते हैं उनके साथ मैं बात करूँगा, मामू जी बाय कर दो सबको, बाय जय श्री राम। ओके तो गाइस मामू को वोट सपोर्ट करें, एमपी बनाना है इस बार हमने, देखो मामले ऐसे होने चाहिए कि घर से हल हो जाने चाहिए। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।